और हम पड़ी पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये मटन मिलता है, और आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा मटन है और अभी इसको ज़बह किया है उन्होंने, और ये कीमा बन रहा है इसका। भाईजान ये टमाटर कितने का आप दे रहे हैं किलो? टमाटर 50-60। 50। और ये आलू, हम जो मिर्ची ले रहे हैं इसमें वो तीखापन नहीं होता है, ये फीके फीके होते हैं लेकिन टेस्ट वो सेम ही होता है, यही है ना? इसलिए हमने ये पेड़े बनाए हैं। इससे दस्तरखान इमाम हसन अलैहि सलाम के लिए ये रोटियां पकाई जा रही हैं, और ये अब गर्मा गर्म सेम तैयार है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आज मेरा ब्लॉग है इमाम हसन अलैहि सलाम का दस्तरखान, जो कि मैं उसका सामान लेने जा रहा हूँ, और आपको मेरी सहरी है और पूरा ख़ानदान आता है यहाँ पे हमारे यहाँ, और यहाँ पे सहरी करेंगे इमाम हसन अलैहि सलाम का दस्तरखान। तो मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलें चलते हैं। और हम पड़ी पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये मटन मिलता है, और आप देख सकते हैं कि ये ताज़ा मटन है, और अभी इसको ज़बह किया है उन्होंने, क्योंकि मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो एनीवे, और हम बात करते हैं, ये हमारे अली मोहम्मद हैं और उनके वो छोटे भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई ये मटन कितने का किलो मिल यहाँ पे आप देते हैं लोगों को? 1800 रुपये। 1800। अच्छा, इसमें क्या मटन मतलब वो बकरी का होता है या बकरे का होता है? बकरे का होता है। बकरे का होता है। और आप तकरीबन दिन में कितने बकरे निकालते हैं? दिन में इधर 12-13 निकालते हैं। माशाल्लाह, 12-13, ये कह रहे हैं कि 12-13 बकरे ये निकालते हैं। और मैं यहाँ पर कीमा लेने आया हूँ, और कीमा बनाएंगे, उसके भी हम वीडियो बनाएंगे। और 1800 कीमा भी 1800 का? कीमा भी 1800। ठीक है, ठीक हो गया। ऐसा बताइए क्यों सर, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी बकरा पसंद करेंगे और उसी बकरे में से आपको गोश्त निकाल के देंगे। ये जो ये बकरी है और बकरे भी है यहाँ पे, तो बकरा यहाँ पे ये पालते हैं, और यहाँ पर ये बकरे ये आप देख सकते हैं, ये सारे बकरे, और जो भी आप पसंद करेंगे उसी में से आपको ये मटन निकाल के देंगे। और ये कीमा बन रहा है इसका। तो गाइस, यहाँ पर मिलती है फ्रेश सब्जी, और फ्रेश सब्जी लेने के लिए हम भाई के पास आ गए हैं, और उनसे पूछते हैं इनका रेट। ये टमाटर कितने का आप दे रहे हैं किलो? टमाटर 50-60। 50। और ये आलू? आलू 50-60 बताइए। और ये भी 60। हाँ। और अपना प्याज? प्याज 160। और ये गाजर? गाजर 60 रुपये किलो। मटर? मटर 150 रुपये किलो। ये अब गाजर कितने का किलो? 60 रुपये किलो। 60 रुपये। और मटर? मटर 150। 150। और ये मिर्ची? मिर्ची 200 रुपये किलो। जर्मन 200 रुपये किलो। और अपना ये बैगन? 60 रुपये किलो। और ये गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी? फूल गोभी कितने की है? दोनों 120। दोनों 120 एक किलो। अच्छा जी, चले फिर ऐसा करते हैं कि न्याज के लिए हमें ये सब्जी दे, इसमें प्याज भी दे दे, और आलू भी दे, टमाटर भी दे, गाजर भी दे, मटर भी दे, और हरा मसाला जो होता है वो भी मुझे दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो मिर्ची ले रहे हैं इसमें वो तीखापन नहीं होता है, ये फीके फीके होते हैं लेकिन टेस्ट वो सेम ही होता है, यही है ना? हाँ। यही होता है। हाँ। चलो ठीक है, ये डाल दो। तो पाव हमने मिर्च लिया है। न्यास के लिए हमने ये पेड़े बनाए हैं, इससे
रोटी पकेगी। अली गुल मला और ये हुसैन वो लाला शाह ये रोटी पकाएंगे खाएंगे इंशाल्लाह। मौला हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए ये रोटियां पकाई जा रही हैं और इमाम बरगाह में रात को लाइट भी नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।